इनके दांत दिखाने के और खाने के और है। ये लोग लोकसभा इलेक्शन में इनकी पॉलिसी और थी और आते विधानसभा में इनकी पॉलिसी और होने वाली है, इसलिए सब षड्यंत्र किया जा रहा। उद्धव ठाकरे के जो सांसद कल घर हाजिर थे, इसका जो मुस्लिम समाज का जो गुस्सा है, ये आने वाले विधानसभा में इनको साफ तरीके से नजर आने वाले। तो लोग ने तो करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे महाराष्ट्र में जो उनको चुन के लाने में बहुत सारे मुस्लिम ने उनका साथ दिए है। मुसलमान समाज बहुत नाराज हो गया है कि उन्होंने बहुत दिलो जान से एक होकर उद्धव साहब की मदद की थी। उद्धव जी ने इस भूमिका पर अपना स्पष्टीकरण देना जरूरी। विरोध इसके लिए नहीं किए कि वो पार्लियामेंट में हाजिर ही नहीं थे ना, अगर हाजिर रहते तो विरोध की बात आती थी, लेकिन पार्लियामेंट में हाजिर नहीं रहे के उन्होंने सीधा सीधा इस बिल को समर्थन किए। और महाराष्ट्र के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, पूरे महाराष्ट्र की मुस्लिम कम्युनिटी ने वन साइड शिवसेना के उम्मीदवारों को वोट दिया है। यूपी से एक दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिनको मुसलमानों ने खुल के सपोर्ट समर्थन किया था, अखिलेश यादव ने पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उसका विरोध किया है। एमआईएम के सीट को मुसलमानों की तरफ से वोट बहुत कम मिले, मैं दावे के साथ बोलूंगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात के खिलाफ आवाज उठाई। ये जो बिल आ रहा है, ये सियासी तौर पे किसी खास लोगों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड के ऊपर किया ये हमला किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। और उद्धव ठाकरे के जो सांसद कल घर हाजिर थे, इसका जो मुस्लिम समाज का जो गुस्सा है, ये आने वाले विधानसभा में इनको साफ तरीके से नजर आने वाले। उद्धव ठाकरे जी को लोकसभा के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम समाज ने अपनी पूरी जोरों शोर के साथ में अपना समर्थन दिया था, क्योंकि उद्धव जी की जो भूमिका थी ये सौप हिंदुत्व की थी और सौप हिंदुत्व के साथ में मुस्लिम समाज चला गया था। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जी की इसी भूमिका को देखते हुए मुस्लिम समाज ने पूरी ताकत के साथ में उनके साथ में रहा और उनके सांसदों को चुन के लाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब जाकर अगर आप रंग बताते होंगे तो आने वाली विधानसभा के अंदर इसके परिणाम नजर आएंगे। मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को ये निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो उनके सांसद लोकसभा से गैर हाजिर रहे, उसके बारे में उन्होंने एक बार खुलासा करना चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज के सामने उनकी भूमिका साफ हो जाए और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में मुस्लिम समाज उनके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में अपना निर्णय ले। वो लोग ने तो करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे महाराष्ट्र में जो उनको चुन के लाने में बहुत सारे मुस्लिम ने उनका साथ दिए है, उनको वो लोगों ने तो करना चाहिए था। मुझे पता था ये लोग इनके दांत दिखाने के और खाने के और है, ये लोग लोकसभा इलेक्शन में इनकी पॉलिसी और थी और आते विधानसभा में इनकी पॉलिसी और होने वाली है, इसलिए सब षड्यंत्र किया जा रहा। वो विरोध करेंगे, वो मुस्लिमों के फेवर में ना कभी थे और ना ही कभी रहने वाले। बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी जो समझदार मुसलमान है और जो समझदार दलित भाई है मेरे, वो कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व लॉबी चलाने वाली आ गए। इन्होंने पहले भी कई साल हिंदुत्व लॉबी चलाई है, लेकिन अभी सिर्फ पक्ष के दो टुकड़े होने की वजह से थोड़ा मुस्लिम फेवर और दलित फेवर ही खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझदार लोग इनके बहकावे में ना आते हुए, जो समझदार रहेंगे वो प्रॉपर जो उनका सोचने और समझने वाली पार्टी है उनको ही वोट करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के अंदर जब उद्धव साहब सीएम थे तो मुसलमानों ने उनकी बहुत तारीफ की, और ये जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसमें भी मुसलमानों ने महाराष्ट्र के अंदर बढ़ चढ़ के उद्धव साहब का समर्थन किया, उनको मदद किया। लेकिन उद्धव साहब ने संसद के अंदर, उनके सांसदों ने इस बिल का विरोध नहीं किया, और ये विरोध ना करना ये मुसलमानों के खिलाफ की बात हो गई। तो ये इसका नतीजा उनके आने वाले विधानसभा के वोटों पे गिरेगा। मुसलमान समाज बहुत नाराज हो गया है कि उन्होंने बहुत दिलो जान से एक होकर उद्धव साहब की मदद की थी, महाविकास आघाड़ी की मदद की थी। एक मुसलमान होने के नाते से, मुस्लिम होने के नाते से, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जितने भी मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ के जो पार्टियां है, उन्होंने इस बिल का विरोध करना चाहिए, ताकि मुसलमानों के जो भी वक्फ की जमीनें हैं उसके ऊपर बिल्डरों का कब्जा नहीं होगा, उद्योगपतियों का कब्जा नहीं होगा।